गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, कैसे हैं आप सभी? देखिए क्या चल रहा था, मात्रा लगाने की विधियां हम लोग क्या सीख रहे थे, मात्रा लगाने की विधियां। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो ये हमारी विधियां हैं, इसमें क्या करना है अपने को, मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सबसे पहले किसकी वो लगती है मात्राएं अक्षर से पहले और अक्षर के बाद लगाई जाती है। भाई जैसे कि ये हमारा तो है, ठीक है, तो मात्रा कैसे लगाएंगे, या तो इससे पहले लगाएंगे या फिर इसके बाद में लगाएंगे और या फिर इसके नीचे लगाएंगे। मात्रा इसी तरीके की तो होती है भाई, जैसे कि अम की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, पर अब ये देखना है कि भाई पहले लगेगी या बाद में लगेगी। तो अब यही बताऊंगी जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मात्राएं भाई जैसे छोटी की मात्रा है तो वो क्या होती है, पहले लगती है। ये जो छोटी की मात्रा क्या होती है, व्यंजन के पहले लगती है, और बड़ी की मात्रा क्या होती है, व्यंजन के बाद लगती है। आ की मात्रा क्या होती है, वो भी व्यंजन के बाद में लगती है, ठीक है? तो अब आप देखिए, मैं अब आपको बताऊंगी तो आप लोग देखते चले जाइएगा। इसमें मैंने आपको बता दिया था ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, जो अक्षर से पहले लगती है। ये अक्षर से पहले कौन सी लगेगी, ई की, ठीक है? जैसे कि किसान और किरण, ठीक है? फिर उसके बाद में आ, अक्षरों के बाद में जो मात्राएं लगेंगी वो देखना भी। अक्षरों की बात में कौन सी लगेगी, अक्षरों के बाद में आएगी आ की मात्रा, किसकी, आ की, जैसे कि माला, ठीक है, माला और ताला, ठीक है? और फिर अक्षरों के बाद में और आएगी बड़ी की मात्रा, बड़ी की, ये देखिए बड़ी, ठीक है, जो बाद में आने वाली बड़ी। तो इसमें दीपक और पपीता,
दो दो लिख रही हूँ, आप चाहे ज्यादा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि सॉरी छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो क्या से हो जाएगी कुल फी, ओके, और कुल ये हो गया बड़े ऊ की मात्रा में लगती है। जैसे भी आपकी बर्थडे हो बेस्ट। फिर है रा से ऊ तक, ऊ तथा ओ की मात्रा वर्ण के नीचे बीच में लगती है। कैसे लगती है ये चीज आप समझ लीजिए। ये तो मेरी जो मात्रा है मैंने कराई करा दिया, ठीक है। अब ये देखिए मैं ऊ तथा की मात्रा वर्ण के बीच ठीक है भाई। र में ऊ की, ऊ तथा ओ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है। कैसे लगती है ये आप देखिए। जैसे कि ये है छोटा ऊ, ठीक है, हर किसी में कोई नहीं समझाता, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे कि ऊ में रू, तो क्या हो जाएगा तरू, रुपया, ठीक है। और बड़े ऊ में रू अमरूद, रू घुंगरू, ठीक है। ये इस तरीके से पीछे मात्राएं लगती है। तरु रुपया अमरूद, रा है रा में बीच में उनकी मात्रा लग गई, और रु घुंगरु, ठीक है। तो ये इस तरीके से मात्राएं इसकी बनी है। तो देखिए इससे क्या निकल गया था, र प्लस ऊ क्या हो गया रू। ऐसे ही ठीक है, ये है समझने वाला समझ जाता है फटाफट से। और अब आप लोग समझे कि नहीं समझे ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने आपको आ की, ई की, ऊ की, बड़ी की,
बड़े हो कि ये सब मात्रा मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब ऐसे ही इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर इसी की मात्रा मैं आपको बता देती हूँ।